नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जीशान जावेद आपके साथ। आइए नजर डालते हैं अभी की ताजा तरीन खबरों पर। कलेक्टर रीवा बसंत कुर्रे ने आज एक आदेश जारी किया। उस आदेश के परिपालन में कल से यानी 5 तारीख से दिन शुक्रवार से रीवा शहर फिर से उस तरीके से दिखाई देने लगेगा जिस तरीके से वो पहले दिखाई दिया करता था। जी हाँ, मैं आपको बताऊं, कल से ऑटो चलेंगे, लेकिन कैसे, ये एक सवाल आपके दिमाग में आ रहा होगा। ऑटो में चालक होगा, पीछे केवल 2 सवारियां ही उसमें बैठेंगे। टैक्सी भी चलाई जाएगी, टैक्सी में चालक के अलावा 3 लोग बैठ सकते हैं। ये तो हुई ऑटो और टैक्सी की बात। कल से सड़कें फिर से वैसी दिखाई देने लगेंगी जैसे लॉकडाउन के पहले सड़कें दिखाई दिया करती थी। देश धीरे धीरे लॉकडाउन से अनलॉक की ओर बढ़ रहा है, उसी में यह कदम उठाया गया है। साथ ही मैं आपको बताऊं, शासकीय और अशासकीय कार्यालय पूरी क्षमता के साथ काम करेंगे। इसका सीधा सा अर्थ है, अब वो कर्मचारी जो घर में बैठ के काम कर रहे थे लॉकडाउन के दौरान, अब एक बार फिर से अपने ऑफिस जा सकेंगे, वहां बैठ के वो लोग काम करेंगे। एक और खबर, अच्छी खबर है, वो खबर है बस से लेकर। बसें अब चलाई जा सकती हैं, लेकिन कैसे, ये एक बड़ा सवाल है। बसों में आधी सवारी होगी। जी हां, बसें 50% क्षमता के साथ काम करेंगी, यात्रा करेंगे उसमें यात्री बैठ के। इसका सीधा सा अर्थ है, बसों में अगर 50 लोगों की बैठने की क्षमता थी तो अब बस में 25 लोग से ज्यादा नहीं होंगे। इसका सीधा सा मतलब है, आवागमन आने जाने के लिए एक बार फिर से सड़कों को खोल दिया। सबसे बड़ी खबर अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूं, रीवा वालों के लिए सबसे बड़ी खबर वही है। पूरा मंत्रिमंडल, पूरे तमाम तरीके की बातचीत जिस जगह पर हुआ करती थी, वो जगह मैं आज सारा आप लोग समझ ही गए होंगे। मैं बात कर रहा हूं पान ठेले की दुकान। जी हां, पान ठेले की दुकान अब पूरी तरीके से खोले जा सकते हैं। पान ठेला खुलेगा, तंबाकू के शौकीनों के लिए ये एक अच्छी खबर है। इसका सीधा सा अर्थ है, लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे देश लॉकडाउन से बेहतर बढ़ के लॉक ऑन हो रहा है, उसके तारतम्य ये तमाम निर्णय लिए गए हैं। जैसा कि आपको पहले से मालूम है, 8 तारीख से धार्मिक स्थल भी खोले जाएंगे, उसकी बात हम बाद में करेंगे। अभी बात शुक्रवार से जिन चीजों को खोला गया है उनकी बात कर ली जाए। इसका सीधा सा अर्थ है, अब पान तंबाकू गुटखे की दुकानें आपको फिर से खुली हुई नजर आएंगी। ऑटो टैक्सी सड़क में चलते फिर से नजर आएंगे। बसें जो बंद थी अब वो कल से फिर से दिखाई देने लगेंगी। इसका सीधा सा अर्थ है, अगर रीवा शहर के बारे में हम लोग बात करें, एक बार फिर से उस रास्ते की ओर लौटता हुआ दिखाई दे रहा, जिस रास्ते पर लॉकडाउन कोरोना वायरस के फैलने के पहले नजर आ रहा था। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।